आई नाउ इनवाइट हॉनरेबल मिस्टर अखिलेश यादव लीडर ऑफ ऑपोजिशन उत्तर प्रदेश एंड प्रेजिडेंट ऑफ द समाजवादी पार्टी टू डिलीवर सबको सभी के लिए एवरीथिंग फॉर everyone के उद्घोष के साथ ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस की स्थापना का सत प्रयास सराहनीय है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएम के माननीय अध्यक्ष श्री एम के स्टेलिन ने सामाजिक जागरूकता के लिए जो पहल की है वह सामाजिक न्याय की शक्तियों को एकजुट करने में सार्थक साबित होगी दक्षिण भारत में श्री पेरियार ने जिस सामाजिक आंदोलन की अलग जगाई उससे अछूता उत्तर भारत भी नहीं रहा था तमिलनाड के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री करुणानिधि और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव की भी मुलाकात हुई थी उन नेताओं की भेंट का ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व कम नहीं आका जाना चाहिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जिस सामाजिक न्याय की अनिवार्यता पर बल दिया था समाजवादी पार्टी की उसके प्रति अटूट प्रतिबद्धता रही है डॉक्टर लोहिया ने पिछड़ों के लिए ने बांधी घाट पिछड़े पावे सौ में साठ की सामाजिक व्यवस्था के साथ ही विशेष अवसर के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था जो संविधान में आरक्षण का आधार बना समाजवादी पार्टी समानता सामाजिक न्याय तथा आत्मसम्मान के लिए लड़ाई में हर कदम पर सहभाग के लिए प्रतिबद्ध है स्मरणीय है कि समाजवादी पार्टी ने पूर्व रक्षा मंत्री तथा पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए लंबा आंदोलन चलाया था हज़ारों समाजवादी कार्यकर्ताओं ने जेल यात्राएं सही तब जाकर के मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो सकी समाजवादी पार्टी सबके लिए हक और सम्मान चाहती है इससे समाजवादी पार्टी का मानना है कि जब तक सामाजिक न्याय नहीं होगा तब तक ना आर्थिक समानता आएगी और ना ही सामाजिक गैरवान्वी का अंत होगा समान अवसर और सम्मान के साथ सभी को जीने का अधिकार मिलना चाहिए शोषण मुक्त समाज की स्थापना ही समाजवाद का ध्येय है आज आवश्यकता है कि सोशल की शोषणकारी व्यवस्था की समाप्ति और संपन्नता के प्रति के लिए सामाजिक न्याय की शक्तियाँ संगठित और सशक्त हों इसके लिए परस्पर विमर्श कार्यक्रम तथा संघर्ष का रास्ता ही बचता है समाजवादी पार्टी माननीय मुख्यमंत्री श्री एम के स्टैलिन के नेतृत्व में ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस की पहली बैठक की सफलता की कामना करती है